हजारों साल पहले गंगा का उद्गम इसी जगह गंगोत्री के पास से होता था, यानी गंगोत्री ग्लेशियर गंगोत्री तक फैला था, जो अब पिघल कर 18 किलोमीटर दूर हिमशिखरों के नीचे पहुंच चुका है, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 4000 मीटर हो गई है। उसी मुहाने से जहां गंगा की अविरल धारा निकलती है गौमुख कहते हैं। आपको इस यात्रा में हम गंगा के उद्गम स्थल तक हर पड़ाव के बारे में रूबरू कराएंगे। चलिए शुरू करते हैं गंगोत्री से गौमुख तक की पद यात्रा। कल कल बहती गंगा, करोड़ों लोगों के लिए जीवनदायिनी गंगा, ये गंगा वो धारा है जो गंगोत्री के गौमुख से निकलती है। और इंडिया 24/7 की टीम आपको गौमुख के दर्शन कराएगी और दिखाएगी हर वो नजारा। जिसे आपने शायद पहले कभी ना देखा हो। हम इस समय समुद्र तल से 3140 मीटर की ऊंचाई पर गंगोत्री धाम में हैं। मान्यता है कि यहीं पर राजा भगीरथ ने 5500 साल पहले तपस्या की थी। जिसके बाद यहां गंगा धरती पर उतरी, इसी कारण से इसे गंगोत्री कहते हैं। संरक्षित श्रेणी में आने वाला गौमुख क्षेत्र गंगोत्री नेशनल पार्क में आता है। गंगा के उद्गम स्थल के दर्शन करने के लिए यात्रियों को पार्क से अनुमति लेनी होती है। ग्लेशियरों और विलुप्त प्रजाति के वन्य जीवों को बचाने के लिए सिर्फ 150 लोगों को आगे जाने की अनुमति है। गंगा के उद्गम स्थल के दर्शन करने के लिए यात्रियों को पार्क से विधिवत अनुमति लेनी होती है। ग्लेशियर व विलुप्त प्रजाति के वन्य जीवों को बचाने के लिए इस पार्क में सिर्फ एक दिन में 150 लोगों की जाने की अनुमति है। पार्क के इस बैरियर को कनकू बैरियर कहते हैं। यहाँ से 7 किलोमीटर आगे चीड़वासा पड़ाव है। अपनी इस यात्रा में हमने देखा कि गंगोत्री से लेकर गौमुख तक की यात्रा में जो प्राकृतिक सुंदरता है वो अद्भुत है। हमारे कैमरे के जरिए हमने हर वो नजारा आप तक पहुंचाने की कोशिश की जो शायद आपने कभी न देखा हो। हमने 7 किलोमीटर की कड़ी यात्रा की, जिसके बाद हमारी टीम चीड़वासा पहुंची। यहां पर हमें ऐसे कई झरने दिखे जो आगे जाके माँ गंगा में मिल जाते हैं। गंगोत्री से लेकर गौमुख की यात्रा में जो प्राकृतिक दृश्य है वो भगवान का मूर्त रूप से एहसास करने वाले हैं। अभी हम 9 किलोमीटर पैदल चलकर चीड़वासा पहुंच गए हैं और हमने आधी यात्रा पूरी कर ली है। यहाँ चीड़ का जंगल है, इसलिए इसे चीड़वासा नाम दिया गया है। इन पेड़ों की छांव में लोग आराम भी करते हैं। चीड़वासा से आगे का रास्ता बहुत सकरा है। यहाँ महज 1 से 2 फुट का मार्ग है। यहाँ हल्की हल्की हवा के झोंके से भी पत्थर गिरने लगते हैं, जिससे आपको यहाँ आने पर बड़ी ही सावधानी बरतनी होती है। चीड़वासा और भोजवासा के बीच में है। आप देख सकते हैं कि रास्ते कितने कठिन हैं। ये जो पूरे पथरीले दर्रे हैं, यहाँ लगातार ऊपर से पत्थर गिरते रहते हैं। और आगे मैं आपको बताऊंगा कि कितना कठिन है यहाँ से पार करना। ये देखिए आप, ये ऊपर है, यहाँ से लगातार पत्थर गिरते हैं, आप चोटिल हो सकते हैं, बड़ी दुर्घटना हो सकती है। और अगर आप पैर फिसला आपका और आप नीचे गिरे तो आपकी जीवन लीला समाप्त हो सकती है। ज़मीनी हकीकत क्या है ये आप इन तस्वीरों में देख के समझ सकते हैं। चलिए
किसी तरह हमने और हमारे कैमरामैन ने ये जो कठिन रास्ता था वो पार कर लिया है। हम आगे बढ़ते गए जिसके बाद हम पहुंचे भोजनबासा। गौमुख यात्रा के भोजबास पड़ाव के आसपास भोज वृक्षों का दीदार हुआ। और भोजवासा के बीच में ये पूरा जंगल जो है ये भोज पत्र का है। ये पूरे यहाँ पे और कोई पेड़ आपको दिखाई नहीं देगा, सिर्फ भोज पत्र दिखाई देंगे। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि भोज पत्र असल में क्या है। भोज पत्र भोज का पत्र नहीं है, भोज की जो पेड़ होता है उसकी छाल से ये भोज पत्र निकलता है। और जब कागज नहीं थे तो इसी पत्ते पे हमारे पांडुलिपियाँ और हमारे जो शास्त्र है वो हमारे पूर्वजों ने लिखी थी। और ये जो पेड़ है ये पेड़ 3500 से 4000 फीट की ऊंचाई पे मिलता है। इस पड़ाव से गौमुख की दूरी महज 5 किलोमीटर है। जो यात्री गंगोत्री से चलते हैं वे रात को विश्राम भोजबासा में ही करते हैं। गंगोत्री गौमुख की यात्रा में ये आखिरी पड़ाव है जिसे भोजवासा कहते हैं। इसके आसपास भोज वृक्षों का दीदार होता है, इसी कारण इस पड़ाव को भोजवासा कहते हैं। इस पड़ाव से गौमुख की दूरी मात्र 5 किलोमीटर है। जो यात्री गंगोत्री से चलते हैं रात्रि विश्राम यहाँ करते हैं और अगले दिन गौमुख की यात्रा पर निकलते हैं। I'm from Toronto, Canada, and I have come here for the Gomukh Yatra. The reason I decided to come was a few reasons. One, I love the mountains. Two, the Himalayas in India has a very special spiritual purpose for us. And coming from Canada, we've always heard about the importance of Gangotri and Gomukhji. And it's been very important for me to have a chance to be able to come and experience what so many thousands and thousands and thousands of sadhus and rishis before me have experienced. लिहाजा हमारी टीम ने भी यहाँ रात्रि विश्राम का पड़ाव रखा और फिर अगले दिन गौमुख के लिए सवेरे सवेरे रवाना हुए। सवेरे होते ही हमने एक बार फिर अपनी यात्रा की शुरुआत की।
भयंकर ठंड के बीच हम एक बार फिर आगे निकल पड़े थे अपनी यात्रा की ओर। गौमुख दिल में जपते जपते आगे बढ़ रहे थे। आगे की यात्रा पैदल ही करनी पड़ेगी, लिहाजा हम कमर कसकर आगे बढ़ चले। आगे की यात्रा सच में कठिन है। बड़ी बड़ी चट्टानों को पार करना पड़ रहा था। भागीरथी की गर्जना और वेग बढ़ता जा रहा था। चट्टानों से गौमुख नजर आने लगा था। गौमुख ही वो जगह है जहां से गंगा निकलती है। हजारों किलोमीटर में फैली धरती की प्यास बुझाती है गंगा। गौमुख के आसपास पत्थरों के बीच गुजरती छोटी छोटी धाराएं बन जाती हैं चौड़े पाट वाली ऐसी गंगा, जिसकी लहरों में लिखी गई है हमारी सभ्यता संस्कृति की कहानी। दरअसल गंगोत्री एक ग्लेशियर है और गौमुख इसी का एक हिस्सा है। यहीं पर बर्फ पिघलकर गंगा बनने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन आज ग्लोबल वार्मिंग की वजह से गंगोत्री ग्लेशियर लगातार पिघल रहा है। हम लोग गौमुख पहुंच चुके हैं 4000 फीट की हाइट पे इस वक्त हमें, और यहाँ पे कुछ टूरिस्ट भी हैं जो गौमुख पहुँचे हैं गंगोत्री से। गौमुख की यात्रा करी है 14 किलोमीटर की कठिन यात्रा इन्होंने करी है। इनसे पूछते हैं कि इनको कैसा लग रहा है यहाँ के। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम है पारोमिता देवरॉय और मैं बॉम्बे से आ रही हूँ। तो इस बार मैं गंगोत्री से, हम ये मेरा दूसरा बार है यहाँ पे आने का, और लास्ट टाइम जो आए थे यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगा था ये ट्रैक, और हम लोग तपोवन तक गए थे किरबा से भोजबास, लेकिन बहुत सारे रॉकफॉल जोन्स थे। तो ऐसा है कि किसी भी एक्सपर्ट गाइड के बगैर ये किसी भी यात्री को अकेले आना ही नहीं चाहिए इस रूट पे। गौमुख का भी रास्ता हम लोगों को काफ़ी कुछ एरियाज फ्लैट थे और कुछ मतलब काफ़ी बोल्डर हॉपिंग और काफ़ी सारा क्लाइंब करके आना पड़ा। तो जो भी है मतलब अभी तक बहुत सारे ट्रैक्स किए हैं, लेकिन ये मतलब बाय फार इज़ द बेस्ट ट्रैक। सो मतलब किसी को भी यहाँ पे एक बार ज़रूर लाइफ में आना चाहिए। आप 2015 में यहाँ आई थी, 2015 है 2017 है, आपको कुछ फ़र्क नज़र आया? यहाँ पे ग्लेशियर्स हैं, यहाँ पे जो ग्लेशियर्स हैं वो नहीं दिखाई दे रहे हैं, जो 2015 में ऐसे कुछ ग्लेशियर्स दिखे थे आपको? इनफैक्ट मुझे मैं 2015 में मई सेकेंड वीक में आई थी, और इस बार मैं अप्रैल लास्ट वीक में आ रही हूँ। तो इस बार ग्लेशियर्स मुझे दिख रहे हैं, लेकिन एक ये भी है, हम लोग जब लास्ट टाइम आ रहे थे हमेशा स्नो मिला था रास्ते में, इस बार लेकिन नहीं था स्नो। इनके साथ एक गाइड भी है जो उत्तरकाशी के लोकल हैं, इनसे पता करते हैं कि इनसे बात करते हैं और पूछने की कोशिश करते हैं कि कैसा लगता है इनको जो ये गौमुख है, ये इनके दोस्त यहाँ आते हैं, इनको ये ट्रैक पर लाते हैं, और कैसे कैसे ये सारा काम करते हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मैं दीपक सिंह राणा और मैं हरसिल से हूँ, और मेरा साल में कम से कम 10-12 बार आना होता है यहाँ पे। 10-12 बार मैं यहाँ पे आता हूँ, और मैं टूरिस्ट को लेके आता हूँ कभी गौमुख तपोवन। और ये मेरी फ्रेंड है बॉम्बे से, और ये 2015 में आई थी, और अभी फिर से हम गौमुख तक आए हैं। कैसा लगता है आपको, भी कैसा लगता है यहाँ पहुँच के, कितनी एनर्जी मिलती है आपको? मैं इससे पहले काफ़ी नेपाल और लद्दाख काफ़ी जगह ट्रैक कर चुका हूँ, पर जो खूबसूरती ये वैली में वो कहीं नहीं है। सबसे ब्यूटीफुल जगह है तो गौमुख और तपोवन। '91 में ये ग्लेशियर कहां पर था ये हमने आपको दिखाया। ये वही जगह है जहां कभी गौमुख था, लेकिन आज गौमुख ग्लोबल वार्मिंग की बदौलत 3 किलोमीटर की दूरी पर पीछे खिसक चुका है। मौसम में आए बदलाव का असर ग्लेशियर पर भी पड़ने लगा है। गंगोत्री से लेकर गौमुख के 18 किलोमीटर के ट्रैक पर बर्फ गायब है। वहीं पिछले साल तक इस ट्रैक पे मई दूसरे सप्ताह तक जगह जगह हिमखंड और गौमुख के आसपास बर्फ दिखाई देती थी। पहले की अपेक्षा इस बार बर्फबारी फरवरी में हुई है, जो तापमान बढ़ने से पिघल गई, जिसका गंगोत्री ग्लेशियर के पिघलने की गति पर काफ़ी फर्क पड़ेगा, क्योंकि बर्फबारी ग्लेशियर का आहार है। अगर आहार न मिला तो लाजमी है ग्लेशियरों की सेहत गिरती जाएगी।
गंगोत्री से 19 किलोमीटर दूर 3,892 मीटर की ऊंचाई पर स्थित गौमुख गंगोत्री ग्लेशियर का मुहाना और भागीरथी नदी का उद्गम स्थल है। यही वो जगह है जहां से गंगा की धारा निकल रही है। आखिरकार 18 किलोमीटर की कठिन पैदल यात्रा पूरी करके हम पहुंच गए हैं गौमुख, उस पवित्र स्थान पे जहां से गंगा की अविरल धारा निकलती है। ये पूरा ग्लेशियर है जिस ग्लेशियर को गंगोत्री ग्लेशियर कहते हैं। इसके ऊपर जो पर्वत आप देख रहे हैं वो भागीरथी पीक हैं, जिसके लिए देश विदेश से पर्वतारोही आते हैं और इस पर आरोहण करते हैं। ये अद्भुत अलौकिक नज़ारे हैं। ऊपर भागीरथी पर्वत है, उसके तहलीट पे गौमुख जिसका आकार गाय की मुख की तरह है और इसीलिए इसको गौमुख कहते हैं। ये अविरल धारा कलकल बहती हुई गंगा सागर तक पहुँचती है। इस धारा के साक्षात दर्शन के लिए लोगों की आस्था इतनी अटूट है कि इतना कठिन रास्ता होने के बावजूद लोग यहां पहुंचते हैं और इस बर्फीले पानी में डुबकी लगाकर मोक्ष की प्राप्ति की कामना करते हैं। ग्लेशियर से निकलती गंगा को देख हमें ऐसा महसूस हुआ कि पहाड़ों पर खामोशी को चीरती गंगा जैसे कहीं पहुंचने की जल्दी में थी। हमने भी माँ गंगा के अद्भुत दर्शन किए और एक बार फिर विश्राम करने के बाद निकल पड़े वापसी की ओर। यहाँ पहुंचकर ऐसा एहसास होता है कि ग्लेशियर और नदियाँ जीवित श्रेणी में हैं। तभी तो हजारों वर्षों से अपने को पिघलाकर गौमुख ग्लेशियर गंगा की धारा को बरकरार रखे हुए है। जो गंगा गौमुख से लेकर 1360 किलोमीटर दूर गंगा सागर तक केवल आस्था की वैतरणी ही नहीं बल्कि करोड़ों लोगों के लिए जीवनदायिनी है, जिसमें जाति धर्म का भेदभाव नहीं है। गौमुख से कैमरामैन अमरीश भट्ट के साथ देविंदर रावत, इंडिया 24/7।